आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी राउंड की टक्कर से पहले ढाबे पर खाना खाते दिखे राहुल चन्नी ने खेली फुटबॉल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर और जालौन के माधवगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। 59 सीटों पर आज थमेगा प्रचार। अखिलेश की सीट करहल पर योगी दिखाएंगे दम। अवध बुंदेलखंड में भी दिग्गजों की होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर की तलाशी ली है, जहां एक संदिग्ध बैग मिला। इलाके के जिस कमरे में आईडी रखा हुआ बैग मिला, वहां 3 से 4 लड़कों के किराए पर रहने की बात सामने आ रही है, जो अब फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर आईडी बम मिला था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। बकायदा पूरे इलाके की रेकी भी की गई थी और हर इनपुट इकट्ठा करने के बाद इस हमले को अंजाम देने की तैयारी की गई थी। देखो, कई मकान है, उसमें किराएदार रहते थे। मौके पर पुलिस है, हमारे SHO साहब हैंगे, DCP साहब हैंगे, और वो अपना काम कर रहे हैं। अभी किसी को कुछ नहीं पता क्या है। ये 3 मंजिल मकान है, यही सीमापुरी में, ये सीमापुरी का एरिया है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। दरअसल यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए आज यानी शुक्रवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में यूपी में सभी सियासी दिग्गज आज सूबे की विधानसभा सीटों पर अपना दमखम दिखाएंगे। तीसरे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 1 सप्ताह में दूसरी बार कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कानपुर देहात के सिकंदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल सिंह के लिए वोटों की अपील भी योगी आदित्यनाथ ने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्र के राजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी। तीसरे चरण के प्रचार में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, तब दंगे हो जाते थे, पता नहीं चलता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पूरे कानपुर में अराजकता का माहौल था, माताएं भी बाजार तक नहीं जा पाती थी और नौजवान बेरोजगार थे, जबकि किसान और गरीब भुखमरी का शिकार हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की ओर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के ट्वीट की फोटो पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के ये पुल बांध रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने यानी कि सपा सरकार ने बनवाया था। यूपी विधानसभा चुनावों में इस बार हर सीट पर मुकाबला रोचक है। मऊ सदर सीट पर भी घमासान अब बढ़ता जा रहा है। सदर सीट से सपा और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी और विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में 2 सेट में नामांकन किया। इस दौरान अब्बास अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत आरओ से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान अब्बास ने कहा कि इन सभी का असर आने वाले 7 मार्च को पड़ेगा। आप जनता को बटन दबाने से नहीं रोक सकते। अभी 18 दिन बचे हैं और मैं मुकदमे के डर से आवाम और बुनकरों की आवाज उठाने से पीछे नहीं रहूंगा। इंतजार था कुछ चीजों का,
वो चीज़ें जिस तरह से सोचा गया था नहीं हो पाई, तो आज फिर जो बचा हुआ दो सेट था उसका भी नामांकन कर दिया है। सत्ता और सरकार जान रही है कि मऊ सदर सीट उनके हाथ से निकल चुकी है और हमेशा की तरह छठवीं बार भी यहाँ पर भाजपा और अन्य दलों को शिकस्त मिलने वाली है। इसलिए साजिशों का दौर है, तरह तरह की साजिशें करके रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नामांकन ही ना हो पाए। इन्हीं सब वजहों से एक एज अ प्रिकॉशनरी वो हम लोगों ने दो सेट में आज पर्चा दाखिला और भी कर दिया है। टोटल आपने कितने सेट में किया है? चार सेट में पर्चा दाखिला। पहले दो सेट थोड़ी बहुत जो नॉर्मली जो होती हैं वो थी, और कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां निकाली जाती हैं, कुछ कमियां पैदा कर दी जाती। अगली खबर औरैया से है, जहां चुनाव ड्यूटी पर शाहजहांपुर से झांसी जनपद के लिए जा रही जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित बस खंबे से जा टकराई। इस हादसे में बस सवार जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं इस मामले पर पुलिस के जवान अमित पाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वो लोग शाहजहांपुर से झांसी इलेक्शन कराने के लिए जा रहे थे, जबकि देवकली चौकी के पास बस के ब्रेक फेल हो जाने से ये दुर्घटना हो गई। फिलहाल सभी पुलिस जवान इस घटना में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नाम अमित पाल नाम है। बस हम लोग जनपद शाहजहांपुर के पुलिस हैं और झांसी इलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, तो यहीं पर रास्ते में जो है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की, बस अगली सीट पे बैठा, ड्राइवर ने काफ़ी बचाने की कोशिश की, काफ़ी बचाया, नहीं तो शायद कुछ ज़्यादा हानि हो सकती। नहीं कोई भय नहीं, सब लोग सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? धनपाल। और ये जनपद शाहजहांपुर डिपो बस एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पर कैसे हुआ है? ये यहाँ से ब्रेक फेल हुए थे तो गाड़ी आगे ट्रक जा रहा था, तो हमने जानबूझ के रोकने के चक्कर में ट्रक में मारी जाके। कहाँ से कहाँ जा रही थी बसी? ये शाहजहांपुर से झांसी जा रही थी। शाहजहांपुर से झांसी कितने लोग बस में लगभग सवार थे? बस में लगभग 40 लोग होते हैं। 40 लोग। खबर औरैया से है, जहां आगामी 20 फरवरी के तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों को देखते हुए संवेदनशील मतदान केंद्रों और इलाकों में पुलिस अर्धसैनिक बल की संयुक्त टीम के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च निकाला गया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान एसडीएम की ओर से मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने की भी अपील की गई है। खबर संभल से है, जहां दिव्यापुर विधानसभा के फफूंद अचलंदा रोड मैदान में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि झूठ, बाहुबल, भ्रष्टाचार और धनबल से बिना डरे आजाद समाज पार्टी का समर्थन करें और पार्टी के प्रत्याशी को अपना साथ दें, जिससे गरीब शोषित लोगों का विकास किया जा सके। दिव्यापुर की पावन धरती, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहने, नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता, चुनावी समर चल रहा है, मेरा भी मन था कि जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं उनकी जो मुख्य सभाएं या जो सभाएं उन्होंने लगाई है, मैं भी जाके अपनी बात रखूं, उनके लिए अपील करूं। इसी क्रम में आज औरैया जिले की दो विधानसभाओं में आने का मौका मिला। अगली खबर बिजनौर के हलदौर थाना क्षेत्र के गांव गंगोड़ा जट की है, जहां एक गुलदार जाल में फंस गया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे राहत और बचाव कार्य करके पकड़ लिया, लेकिन पिंजरे में बंद करने के 10 मिनट बाद ही गुलदार की मौत हो गई। खेत पर जाल लगाने के मामले में वन विभाग ने किसान के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ये आज करीब 2:30 बजे के आसपास एसओ हलदौर का हमारे पास फोन आया कि गंगौड़ा जट एक गांव है, वहाँ पे एक जाल में गुलदार फंस गया है और अपनी टीम जल्दी से आप भेजिए ताकि उसको बचाया जा सके। जो हमारे एसडीओ साहब हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह, इनके अध्यक्षता में तुरंत एक हमने टीम भेजा, लेकिन टीम जब वहाँ पे मौके पे पहुँची तो देखा कि जो गुलदार था उसका हालत काफ़ी नाजुक था। इन लोगों ने तत्काल जो है दूसरा जाल डाल के उसको पिंजड़े में लिया और करीब 10 मिनट के अंतराल में ही उसका डेथ हो गया।
तो जिसने भी ये जाल लगाया है वहाँ पे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और बाकी पोस्टमार्टम कराने के लिए जो गुलदार है उसको IBRI भेज दिया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राजेंद्र कुमार मौर्य और जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय किसान नेता पटेल और हरिओम मिश्रा ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों और नौजवानों के लिए काम किया है। प्रतापगढ़ रायबरेली के बीच ऊंचाहार NTPC का ऊर्जा केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष कई लाख मीट्रिक टन कोयला की मांग की। इसी के साथ ये भी कहा गया कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। फरवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पहली बार 7वें इंटरनेशनल बांबू कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान में इसकी मूवमेंट शुरू कराने के लिए उन्होंने बात कही थी। 2600 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन बाद में से सरकार आई सोनिया गांधी की और शरद पवार की, इसलिए पीछे पड़ गया था। अब फिर मोदी जी की सरकार आई, 14 को सरकार आई और 17 को मोदी जी ने निर्णय लिया। अब आपको बताना चाहता हूं, जल्द ही भारत देश में 300 रिफाइनरी बांस से इथेनॉल की लगेगी, 3,00,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और एक एक रिफाइनरी 1,000 करोड़ की रहेगी और 6,000 करोड़ लीटर इथेनॉल निकलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के 7 विधानसभा में प्रत्याशी इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं, जिनकी भी लड़ाइयां हैं अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनकी लड़ाई। हम 7 की 7 विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में हैं। 2022 का चुनाव बड़ा ही महत्व का है, इस नाते से वो हमारा जो बूथ कमेटी का सदस्य है और पन्ना प्रमुख है, वो अपने बूथ को जीतने के लिए 20 तारीख के बाद बूथ विजय अभियान के माध्यम से घर घर संपर्क करके घर घर प्रत्याशी का सिंबल बता करके और इस पूरे 7 विधानसभाओं को जीतने का। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।